हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बेसन की एक नए तरीके से सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, बेसन लॉलीपॉप। इसमें सामान पड़ेगा 2 शिमला मिर्च, 1 गाजर, 4-5 टमाटर, लहसुन, अदरक, 4 प्याज और बेसन। मसाला मैंने बीट करके तैयार कर लिया है। ये शिमला मिर्च है, इसको कद्दूकस कर लिया है, और ये गाजर, इसको भी कद्दूकस कर लिया है। टमाटर पीस लिए हैं, प्याज को पीस लिया है कद्दूकस करके, और ये इसमें लहसुन, अदरक और गरम मसाला का 1 चम्मच डाला है, उसको बीट कर लिया है महीन। बेसन डाल दिया है, और ये शिमला मिर्च कटी हुई, गाजर कटी हुई कद्दूकस की हुई, और 2 चम्मच रिफाइंड जाएगा, और अजवाइन थोड़ा सा क्रश करके डाल दें। चुटकी भर हल्दी जाएगी, 1/2 टीस्पून मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। इसका एक डो बन गया है, डो बन के तैयार है, इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे ढक कर। इसे डो मेरा तैयार हो गया है, इसको मैं ऐसे करूँगी। इसके बाद इसमें आइसक्रीम स्टिक लगा के और इसे ऐसे गोल गोल बना लूँगी। ऐसे सारी स्टिक मैंने तैयार कर लेनी है। ऐसे ये डो लिया और इसके बाद ऐसे जो है सारी स्टिक तैयार कर लेंगे। मैंने पानी बॉयल होने के रख दिया है मोमोज़ का, मोमोज़ के डिब्बे में। आप चाहें तो पतीले में भी रख सकते हैं, और छाननी रख के उस पर स्टीम दे सकते हैं। ये मैंने इसमें ग्रीस कर दिया है, इसके बाद इसको इसके ऊपर रख दूँगी। इसमें मैंने सारे स्टिक रख दिए उबलने के लिए। अब इसे 10 मिनट के लिए बॉयल कर देंगे, भाप में, स्टीम में सारे वो हो जाएंगे। मैंने ढक्कन लगा दिया है। अब मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, आप रिफाइंड या सरसों का तेल जो भी खाते हो वो डाल लें। इसमें 1 तेज़पत्ता डाल दिया, ये मोटी इलायची और दालचीनी, थोड़ी सी हींग, और ये जीरा 1 चम्मच। को थोड़ा सा तिड़कने के बाद अब इसमें प्याज डाल दें, प्याज को भून लेंगे। ये मेरे प्याज हो चुके हैं लाल, अब इसमें कश्मीरी मिर्च डाल दूंगी 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच हल्दी, मिर्च 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, सूखा धनिया है पीसा हुआ ये डाल दूंगी, और ये लहसुन, अदरक और गरम मसाले का पेस्ट, इसको डाल के इसको मैं भूनूंगी। लहसुन अदरक मेरा भून चुका है, अब इसमें मैं टमाटर बीच हुआ टमाटर डाल देंगे, इसको भी मसाले में तेल छोड़ने तक मैं भूनूंगी। मेरे लॉलीपॉप बेसन उबल के तैयार हैं, और इसको अब मैं या तो आप सेलो फ्राई कर लें या डीप फ्राई कर लें, आप वैसे भी सब्ज़ी में डाल सकते हैं, पर मैं इसको ऐसे करके सिंगल सिंगल में डालूंगी और इसे डीप फ्राई कर लूँगी। इससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा। ये मेरा अब पूरा डल चुका है, इसको अब मैं निकाल लूँगी। अब इधर मेरा मसाला भी पूरा तेल छोड़ चुका है, अब इसमें मैं ग्रेवी बनाने के लिए मैंने इससे पानी डालना है। आप जितना पतला गाढ़ा जितना रखना हो आप उसी हिसाब से इसमें पानी डाल दें और इसको बॉयल आने तक पकाएं। सब मैं ग्रेवी में ये सारा कुछ मैं डाल दूंगी, उसके बाद से 5 से 7 मिनट तक बॉयल आने तक पकाएंगे। जब तक थोड़ा ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी तब इसको गरम मसाला और कसूरी मेथी डालेंगे। अब मेरी सब्ज़ी बन के तैयार है। ये मेरा होममेड मसाला डाल रही हूँ 1 चम्मच, और ये कसूरी मेथी रब करके डाल दें पौन से। बस ये सब्ज़ी मेरी बन के तैयार है।
सब्जी बनके तैयार है। अब इसमें धनिए से आप डेकोरेशन कर दें और पतले पतले फुलके और पापड़ के साथ गरम गरम खाएं। ओके बाय।